नमस्कार। हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं छोटी छोटी कहानियों की, छोटी छोटी बातों की। ये ऐसी कहानियाँ होंगी जो आपको प्रेरणादायी होंगी, आपको उत्साहित रखेंगी, आपके जीवन में आपको लक्ष्य को पूरा कराएंगी, आपको स्वस्थ रखेंगी। यानी कि इन कहानी के माध्यम से आप जल्दी से अपने जीवन के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को समझ पाएंगे। जैसे आज की कहानी, एक गाँव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसके कारण ही वह बहुत ज़्यादा आलसी बन चुका था, बहुत ज़्यादा नकारा, जिसको बोलते हैं ना आलसी नकारा बन चुका था, और अपना सारा काम अपने नौकरों से करवाता था और खुद सारा समय आराम करता था और खाने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। धीरे धीरे और आलसी होता चला गया, सारा समय बस खाना पीना और आराम से बैठ के नोट गिनना, बस उसका यही एकमात्र काम उसके जीवन में रह गया था। वो कोई काम नहीं करता था क्योंकि उसके पास बेशुमार धन आ चुका था और इसी से जीवन कट जाएगा, यही सोचकर वो दिन रात सोता रहता था। देखते ही देखते कुछ सालों में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा है, उसे हाथ पर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने उसको देखा, उसकी हालत देखकर सब परेशान थे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके नौकर चाकर सब परेशान थे, लेकिन वो तो आलसी था क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। उसने दूर दूर से वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए और अपना इलाज शुरू कराया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हो पाई, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। एक दिन उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे, उनको इस व्यक्ति की बीमारी के बारे में उनके नौकर ने बताया, तो साधु महात्मा उसके घर पे उसको देखने के लिए आ गए। लेकिन साधु महात्मा को पहली बार ही उसकी हालत देख के समझ आ गया कि व्यक्ति की असल बीमारी क्या है, क्योंकि उस धनी व्यक्ति को, उनको मालूम था रोग किस वजह से आ रहा है। तो उस धनी व्यक्ति के नौकर को साधु ने कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर बड़ा खुश हुआ और धनी सेठ के पास गया, लेकिन साधु ने यह कहा कि मैं ठीक तभी करूंगा जब ये धनी व्यक्ति मेरे पास, मेरे आश्रम में चलकर आएगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, धनी सेठ को भी तकलीफ हो गई, क्योंकि इतनी दूर चल के जाना, उससे तो चार कदम चलना मुश्किल था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो उसने हिम्मत दिखाई, जुट गया और उसने कोशिश करी, दो कदम चला, चार कदम चला और धीरे धीरे चलते चलते वो साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गया। लेकिन आगे क्या देखा कि साधु बाबा तो वहाँ थे ही नहीं, तो क्या हुआ, उसने कुछ टाइम बिताया वहाँ पे, फिर उसने वापस जाने की सोची और वापस चला गया। अगले दिन फिर उसके नौकर ने बोला कि साधु बाबा ने आज का टाइम दिया। धनी व्यक्ति एक बार फिर वहाँ पर पैदल चल के गया, लेकिन साधु बाबा फिर नहीं थे। ऐसा करते करते उस साधु बाबा ने उस नौकर के माध्यम से 2 महीने गुजार दिए। 2 महीने साधु बाबा के पास, वो साधु महाराज के पास चल के सेठ रोज जाता और साधु बाबा मिलते नहीं, सेठ को वापस जाने पड़ता। लेकिन इस दौरान एक बड़ा चमत्कार हुआ, एक बड़ा ही ऐसा अजीबोगरीब घटना हुई। सेठ को जब 2 महीने लगातार चल के जाने लगा, तो उसको ये लगने लग गया, धीरे धीरे महसूस होने लग गया कि वो वजह से ठीक हो रहा है, क्योंकि जो खुद के हाथ पैर हिलते नहीं थे, अब वो धीरे धीरे काम कर रहे थे और उसको रोज चल रहे थे। तो धनी सेठ की समझ में आ गया कि साधु बाबा उसको रोज क्यों बुला रहे हैं और उसको मिलते भी नहीं, जिसकी वजह से 2 महीने लगातार चलने की वजह से उसका शरीर ठीक हो गया। तब साधु ने सेठ को, ठीक होने के बाद धनी सेठ से साधु मिला, साधु महाराज ने बोला, बेटा जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा धन कोई नहीं है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। तब उस धनी व्यक्ति को समझ आया कि मैं कितना गलत था, भगवान ने भी ये शरीर कर्म करने के लिए दिया है। याद रहे, बहता पानी भी निर्मल होता है, लेकिन रुका पानी बीमारी का घर होता है। उसी तरह जैसे अगर लोहा पड़ा रहे तो उसमें भी जंग लग जाता है, ये तो शरीर है। तो इस प्रकार हमें भी शरीर को चलते फिरते रहना चाहिए, शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए, और जब तक ये शरीर चलता फिरता रहता है, काम करता है, निर्मल रहता है, स्वस्थ रहता है। धन से सुविधाएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इसलिए आप सबको भी धनी सेठ की तरह ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप भी अपने दैनिक जीवन में अपने आप को नहीं चलाओगे, अपने शरीर से नहीं काम लोगे, तो आपका भी शरीर खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। ये छोटी छोटी कहानियाँ आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाएंगी, छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें। तो ऐसी कहानियों से हम आपको मोटिवेट करेंगे,
आपको प्रेरणादायी चीज़ें बताकर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाएंगे। तो ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में अपना लक्ष्य मत भूलिए। अपने शरीर को कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप टाइम बाय टाइम अपने गाड़ी की सर्विस कराते हैं, अपनी गाड़ी की केयर करते हैं, तो शरीर ये प्रकृति की अनमोल विरासत, इसकी नियामत को आप अपने शरीर को बचा के रखिए, स्वस्थ रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और खुश रहिए। इसी सब की कामना के साथ अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।